पीढ़ी आज से बेहतर हो, लेकिन आज से बेहतर तभी होगी जब हम इकट्ठा होंगे, हम एक पास होंगे। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य, हमारे पूरी कमेटी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम लोगों में वैचारिक एकता हो, हम लोग कम से कम एक पास इकट्ठा तो हो। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तीन बड़े फैसले लिए गए। पासवान जी ने भी बताया कि दो बड़े फैसले बताए गए कि पहली बार तो 2024 तक, 2 साल के अंदर हम लोगों ने प्रण किया है कि हम इस सिद्धाली की नगर पंचायत में के लिए, हमारी संस्कृति के लिए।
इनको क्या कर रही है, ये काहे कर रही है, क्या कर रही है, ये इकट्ठा करके प्रोग्राम करा रही है, इनको क्या मिल जाएगा, ये क्यों कर रही है। थोड़ा सा मुझे सुनाई दिया तो मैं बता देना चाहूंगी कि चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ी हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से बढ़ भी रही हूँ। जीवन में फेस की है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि वो आने वाले समय के लोग या आने वाली पीढ़ी उसका सामना करे। आज जो चीजें हम देख रहे हैं 25 साल के बाद अगर हमारा बेटा, हमारे बच्चे, हमारे जो हमारी पीढ़ी है वो भी देखे तो आज की जनरेशन में पिछली जनरेशन में फर्क क्या रह जाएगा। अगर हम कल के लोगों को अपना आज बदल करके नहीं देंगे तो हमारी गिनती कहीं नहीं होगी। आप इस बात को समझने का